यस बच्चे, इन दिस चैप्टर यूरोप नेशनलिज्म इन यूरोप, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर वन पिक्चर इज देयर एंड दिस पिक्चर वाज प्रिंटेड बाय फ्रेडरिक सोरियो. नाउ राइट डाउन क्वेश्चन. इस क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में आपको कितने आंसर्स कवर हो रहे हैं, लाइक इन विच ईयर फ्रेडरिक सोरियो, इन विच ईयर फ्रेडरिक सोरियो फ्रेंच आर्टिस्ट, इन विच ईयर फ्रेडरिक सोरियो फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स, सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स. यस, व्हाट इज आंसर? वेरी गुड, 1848. ठीक है, ओके. अब इस एक ही क्वेश्चन में कितने हैं देखो. ही वाज, कौन सा था वो? जर्मन था, फ्रेंच था, अमेरिकन था? फ्रेंच आर्टिस्ट. हाउ मेनी प्रिंट्स ही प्रिंटेड? फोर. और इनके प्रिंट्स का हेडिंग क्या था? डेमोक्रेटिक एंड, राइट डाउन, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, सोशल रिपब्लिक. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कॉन्टिनेंट्स वर डिपिक्टेड इन द फर्स्ट प्रिंट? जो आपकी बुक में दो कॉन्टिनेंट कौन से हैं, कॉन्टिनेंट आज के टाइम के कॉन्टिनेंट? वेरी गुड, यूरोप. वेरी गुड, अमेरिका. यानी कि मेनली उसने अमेरिका और यूरोप जो है उनके बारे में पिक्चर्स जो है डिपिक्ट करता है. देन हाउ फीमेल फिगर इज परसोनिफाइड? किस फॉर्म में फीमेल फिगर परसोनिफाई की गई? वेरी गुड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी. इन विच फॉर्म विमेन फिगर इज परसोनिफाइड? परसोनिफाइड का मतलब जैसे हम कहते हैं ना, हमारी कंट्री भारत माता, हम अपने मैप को भारत माता की तरह मानते हैं, ऐसे ही उन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है विमेन फिगर को बनाया है. लिबर्टी मतलब फ्रीडम. नेक्स्ट, व्हाट शी होल्ड्स इन हर हैंड? एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में चार्टर. एक हाथ में क्या है? टॉर्च और दूसरे हाथ में क्या है? चार्टर. टॉर्च का मतलब टॉर्च ऑफ नॉलेज, ठीक है, एंड चार्टर, CHARTER, चार्टर मतलब राइट्स फॉर मैन, राइट. चार्टर मींस लॉ, जिसमें सिर्फ वोटिंग राइट्स किसको दिए गए? राइट टू ओनली मैन. अगेन, विमेन फिगर इन द फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग, शी होल्डेड टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट इन वन हैंड एंड ऑन सेकेंड. चार्टर मीन्स राइट्स ओनली टू मैन, जिससे ये शो होता है कि तब तक उनकी कंट्री में सिर्फ जो मैन थे उनको ही वोटिंग राइट्स मिले हुए. नेक्स्ट इज, विच इंस्टीट्यूशन हैव बीन शोन इन फ्रंट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? जैसे आप उस पेंटिंग को देखते हो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बिल्कुल नीचे क्या शो किया गया है? यस, मोनार्की. मोनार्की के क्या शो किए गए हैं? स्केलेटन्स का मतलब क्या होता है? स्केलेटन्स, स्केलेटन्स दिखाए गए, वो क्या शो करते हैं? क्या शो करते हैं? मोनार्की. मोनार्की का मतलब रिमेन्स, रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, रिमेन, एक मिनट, रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की. इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे कंट्रीज स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रही हैं, उनकी कंट्री में इंडिपेंडेंस उनको मिल गई है और वो मोनार्की को अपने पैरों के नीचे दबाकर आगे जा रहे हैं. यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बिल्कुल सामने क्या है? रिमेन्स, स्केलेटन्स ऑफ स्टैचू ऑफ, सॉरी, एब्सोल्यूट मोनार्की. मोनार्की के स्केलेटन शो करता है. क्वेश्चन इज, विच इंस्टीट्यूशंस हैव बीन शोन इन फ्रंट ऑफ स्टैचू? विच इंस्टीट्यूशन हैव बीन शोन इन फ्रंट ऑफ स्टैचू? दैट इज एब्सोल्यूट मोनार्की. यानी कि जैसे जैसे कंट्रीज लिबर्टी को क्रॉस कर रही हैं, उस स्टैचू को क्रॉस कर रही हैं, उन
कंट्रीज में मोनार्की सिस्टम खत्म हो रहा है और उन कंट्रीज में क्या आ रहा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये मतलब है इसका। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटोपिया। यूटोपिया या यूटोपियन विजन क्या होता है? कई बार आप कहते हो ना कि हमारा ड्रीम है जो रियल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? तो यूटोपिया का मतलब, विजन का मतलब होता है कि ऐसी सोसाइटी डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सोसाइटी विच डज नॉट एग्जिस्ट, यूटोपियन विजन। यूटोपियन मतलब ड्रीम, एक ऐसा विजन, यूटोपिया मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब है फ्रेडरिक सोरेन ने जो पेंटिंग बनाई वो रियल में नहीं थी, उसका सिर्फ क्या था, ड्रीम था। यानी कि 1848 का उसने उस टाइम का सिनेरियो बनाया जिसमें उसने ये दिखाया कि 1848 तक कौन कौन सी कंट्रीज में क्या मिल चुकी है, इंडिपेंडेंस। जो कंट्रीज बिल्कुल लिबर्टी के पास हैं उनको क्या मिली है, नई नई फ्रीडम मिली है। जो पीछे हैं उनमें क्या है, मोनार्की, उनमें डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं। ये आइडिया है, और ये उसका एक यूटोपियन विजन था जिसमें उसने सभी कंट्रीज को एक लॉन्ग ट्रेन मार्च पास में दिखाया, लेकिन ऐसा कभी रियल में हुआ ही नहीं, ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट अब बताना है आपने विच कंट्रीज वर लीडिंग। नंबर वन कंट्री इस मार्च पास में, सबसे पहले नंबर वन कंट्री कौन सी थी, यूएसए। उसके पीछे यानी कि ये दोनों कंट्रीज 1848 से पहले ही नेशन बन चुकी थी। इनमें मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया था और ये डेमोक्रेटिक, यानी कि इन कंट्रीज में डेमोक्रेसी आ चुकी थी। थर्ड नंबर पे फ्रांस, जो बिल्कुल लिबर्टी और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास, यानी कि 1848 में फ्रांस बिल्कुल स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ शो किया गया है, जो ये शो करता है कि उनको फ्रीडम 1848 में मिली और 1848 में वहां पे हमेशा के लिए मोनार्की सिस्टम खत्म हो गए। देन फोर्थ नंबर पे जर्मनी, फर्स्ट यूएसए, सेकंड स्विट्जरलैंड, थर्ड फ्रांस, फोर्थ जर्मनी। जर्मनी को कैसे पहचाना है, वहां के जो है लोगों ने फ्लैग होल्ड किया हुआ है, उसके फ्लैग का कलर क्या है, कलर नोट करो, ब्लैक रेड एंड गोल्ड। ये जर्मनी के फ्लैग के कलर्स, ब्लैक रेड एंड गोल्ड। लेकिन जर्मनी उस टाइम में इंडिपेंडेंट नहीं था, वहां पे मोनार्की सिस्टम था। जर्मन होल्डिंग फ्लैग ब्लैक रेड एंड गोल्ड, एंड हेवनली ब्लेसिंग्स कौन दे रहा है उनको, वहां से पिक्चर के ऊपर कौन दे रहे हैं, जीसस क्राइस्ट, दे आर गिविंग हेवनली ब्लेसिंग्स। उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि वो फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, फ्रटर्निटी की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि वो सभी आपस में मिलजुल कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है? ये हो गया फर्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज जैसे टर्न करोगे, इसमें आपने याद रखना है नेशन स्टेट्स क्या होती है। नेशन स्टेट मैंने आपको बताया, यूएसए पहले नेशन बन गया, स्विट्जरलैंड पहले नेशन बन गया, कुछ कंट्रीज नेशन नहीं बनी। नेशन स्टेट क्या होता है, उस टाइम पीरियड में नेशन स्टेट का आइडिया बहुत पॉपुलराइज हुआ। वन मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट इज द एरिया वेयर मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स डिवेलप सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। यानी कि नेशन मतलब जैसे इंडिया है, अब एट प्रेजेंट नेशन इंडिया है, लोगों में क्या होती है, कलेक्टिव आइडेंटिटी, लोगों में यूनिटी है, एंड शेयर्ड हिस्ट्री एंड शेयर्ड हिस्ट्री। नेशन स्टेट एक ऐसा एरिया होता है जहां पे सिटीजन्स के बीच में क्या होती है, कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है उनकी और शेयर्ड हिस्ट्री होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल, इंडिया से जो लोग फॉरेन कंट्री में जाते हैं, सपोज यूएसए गए, कनाडा गए, एक पर्सन गया पंजाब से और एक पर्सन गया गुजरात से, उन दोनों के बीच में क्या है, कॉमन आइडेंटिटी। फॉरनर्स में वो दोनों इंडियंस होंगे, उनकी आइडेंटिटी क्या है, इंडियन। शेयर्ड हिस्ट्री मतलब दोनों की हिस्ट्री क्या है, शेयर्ड।
यानी कि दोनों की ही फैमिलीज ने 300-400 ईयर तक ब्रिटिशर्स के रूल को सहा होगा, जो पंजाब में रह रहे हैं उनके भी, या जो गुजरात में रह रहे हैं उनके भी। इवन आपकी फैमिलीज है, हमारी फैमिलीज है, हमारी जो फोर फादर्स थे या जो जनरेशन थी, आप सोचो कि 1947 में वो कैसे रहे होंगे, उससे पहले कैसे रहे होंगे, शेयर्ड हिस्ट्री। तो ऐसा एरिया जहां पे लोगों की कॉमन आइडेंटिटी होती है, शेयर्ड हिस्ट्री होती है, उसको कहा जाता है नेशन स्टेट, जिसमें लोग अपनी कंट्री के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, जैसे हमारी कंट्री नेशन। अब एक और डेफिनेशन है बच्चे, अच्छा लिसन, चैप्टर में हमेशा कोई ब्लॉक दिया होगा ना साइड पे, कोई बॉक्स होगा, उसको भी अच्छी तरह से रीड करो, ठीक है, उसमें से भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। लाइक इस पेज पे अंश लेने की डेफिनेशन दी गई, उन्होंने ये कहा कि नेशन स्टेट की डेफिनेशन इससे बहुत ब्रॉड है। नेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं कि लोग एक जैसा दिखें और उनका कल्चर सेम हो, इसके अलावा भी नेशन स्टेट की डेफिनेशन इससे बहुत ब्रॉड है। 3 मार्क्स के लिए मैंने करवाया था आपको, 3 मार्क्स के लिए करवाया था, लेकिन आप उसको 1 मार्क के लिए कैसे, आप उसमें कोई भी वर्ड आ सकता है। लाइक आप इसको लिखो, नंबर 1, अर्नेस्ट रेने, अकॉर्डिंग टू हिम नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ, कल्मिनेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड डिवोशन, यानी कि इसके अलावा नेशन वो होता है जहां पे लोग सेक्रीफाइस करें, और उनके लिए अपनी मदरलैंड के लिए क्या होना चाहिए, डिवोशन। एक तो उन्होंने ये कहा, दूसरा क्या कहा, नेशन इज लार्ज स्केल सॉलिडैरिटी। नेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहां पे क्या है, लार्ज स्केल सॉलिडैरिटी। सॉलिडैरिटी का मतलब होता है यूनिटी। नेशन इज लार्ज स्केल सॉलिडैरिटी, या नेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज स्केल सॉलिडैरिटी, एंड इट कैन एग्जिस्ट ओनली विद प्लेबिसाइट। अब ये देखो प्लेबिसाइट का मतलब क्या, आपकी बुक में प्लेबिसाइट का मीनिंग दिया हुआ है। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट वोट, एक डायरेक्ट वोट होता है इन विच पीपल आर आस्क्ड यस और नो, इन विच पीपल दे आर आस्क्ड यस और नो, कि लोग उसको कंसेंट दें अपनी। यहां पे अंश लेने का मतलब है गवर्नमेंट। अंश लेने ने ये कहा कि एक तो नेशन में लोगों के मन में क्या होना चाहिए, सेक्रीफाइस देने की फीलिंग होनी चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, अपनी कंट्री के लिए डिवोशन होना चाहिए। सेकंड उन्होंने क्या कहा, लार्ज स्केल सॉलिडरिटी का मतलब कंट्री में क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, एंड ये तभी होगी जब लोगों को क्या दिया जाएगा, वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स का मतलब यस और नो, कि वो गवर्नमेंट को कंटिन्यू करें या ना, ठीक है। प्लेबिसाइट का मतलब होता है डायरेक्ट वोट, जिसमें लोगों से पूछा जाता है यस नो। हमें इंडिया में हमसे कैसे पूछा जाता है, हमारे लिए प्लेबिसाइट क्या है, राइट टू वोट। हम इलेक्शंस में क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चेंज कर दो, अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम उसी को वोट करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो नो भी कर सकते। यानी कि नेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब लोगों से इनकी राय पूछी जाए। ऐसी कंट्री जहां पर लोगों की राय ही ना हो, उनको दबा के रखा जाए, वो नेशन नहीं है, ठीक है। तो ये अंश लेने ने डेफिनेशन दिया, ब्रॉड सेंस में दी थी डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके 1 मार्क क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, अंश लेने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू अंश लेने, तो हो गया 1 मार्क में। अगर मीनिंग आता है प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट वोट इन विच पीपल दे आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी प्रपोजल। सॉलिडिटी का मतलब क्या होता है, यूनिटी इन द लार्ज स्केल, ठीक है। ऐसे 1 मार्क क्वेश्चन प्रिपेयर। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम बाय विच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन था, फर्स्ट क्लियर कट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन of 1789, first clear cut
एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद विच रेवोल्यूशन? ऑप्शन दिए गए थे, फ्रेंच था, अमेरिकन था या रशियन था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कंट्री में कुछ चेंजेस किए थे, ये आपका थर्ड पेज, उसमें कुछ चेंजेस मैंने नोट करवाए थे, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो चेंजेस हैं। उन्हीं में से अगर शॉर्ट लाइन बेस्ड क्वेश्चन आता है, कई बार लाइन बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, आपको बुक में से कोई भी लाइन फिलअप की फॉर्म में आ सकती है, उसमें से जो वर्ड्स हैं वो आपको उसमें पिक एंड चूज करने, लाइक गिविंग एग्जाम्पल, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ट्रांसफर सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण सॉवरेनिटी जो थी, जो राइट्स थे, पावर थी, ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू मोनार्की, पहले पावर मोनार्की के पास थी लेकिन बाद में पावर किसके हाथ में आ गई, किसके हाथ में आई? हाँ, वैसे अच्छा सोचो कि पहले लुई 16 के हाथ में पावर थी, जब एस्टेट जनरल को रीनेम किया गया, नेशनल असेंबली बना दी, नेशनल असेंबली ने सिटीजन्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्टिव एंड पैसिव। वोटिंग राइट्स किनको मिले? एक्टिव सिटीजन्स। तो राइट आंसर क्या है? फ्रेंच सिटीजन्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू फ्रेंच सिटीजन्स, यानी कि पहले पावर किसके हाथ में थी? लुई 16 के हाथ में थी, अब लोगों को वोटिंग राइट्स मिल गए तो पावर किन के हाथ में आ गई? फ्रेंच सिटीजन्स, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट, लॉ पेट्री, ये वर्ड आपने उसमें पढ़ा होगा, ये कंसेप्ट उस टाइम पर में बहुत फेमस हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने इसको फेमस किया। लॉ पेट्री का मतलब क्या होता है? फादरलैंड। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी मिला जो पहले नहीं था, फादरलैंड, जैसे हम कहते हैं ना मदरलैंड, लॉ पेट्री का मतलब फादरलैंड, यानी कि उनको राइट टू प्रॉपर्टी, दे कैन अवेल, अर्लियर दिस सिस्टम वाज नॉट देयर, थर्ड स्टेट वाज नॉट गिवन राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, ली सिटोयन, एक और कंसेप्ट आपने इसमें पढ़ा है, ये क्या है, सिंपल मीनिंग क्या है इसका? सिटीजन, बहुत ईजी है सिटीजन। तो सिटीजन वर्ड डिवेलप ही कहां से हुआ है? सिटोयन, इसका मतलब है ऑल आर इक्वल। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के कारण 1789 के बाद फ्लैग चेंज हो गया था कंट्री का, पहले था रॉयल फ्लैग, बाद में कौन सा फ्लैग? ट्रायंगुलर फ्लैग। ट्रायंगुलर फ्लैग वाज रिप्लेस्ड विद रॉयल फ्लैग, यानी कि बर्बन डायनेस्टी का फ्लैग जो था वो रिप्लेस हो गया, और अब कौन सा फ्लैग हो गया? ट्राइकलर फ्रेंच फ्लैग। विच लैंग्वेज बिकेम कॉमन लैंग्वेज फॉर कॉम्युनिकेशन? फ्रेंच। विच लैंग्वेज बिकेम कॉमन लैंग्वेज फॉर कॉम्युनिकेशन? फ्रेंच। जब लोगों की लैंग्वेज कॉमन होती है ना तो अपने आप उनमें यूनिटी आ जाती है। अब हमारी कंट्री में हम कई बार कहते हैं ना लैक ऑफ यूनिटी इज देयर बिकॉज ईच स्टेट हैड इट्स डिफरेंट लैंग्वेज। हमारी कंट्री में यूनिटी भी है लेकिन डाइवर्सिटी भी है, और इसको क्या कहते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, हाँ जी, आगे आ जाइए। इसके बाद नेक्स्ट, फिर हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है, इमिडिएटली इसके बाद पढ़ा नेपोलियन बोनापार्ट का कोड ऑफ सिविल कोड, सिविल कोड ऑफ नेपोलियन, कौन से ईयर में? 1800, ये तो आपने नाइन्थ में ही पढ़ा हुआ सारा, 1804 नेपोलियन सिविल कोड। क्या था नेपोलियन सिविल कोड का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए जिनको कहते हैं नेपोलियन सिविल कोड। ठीक है, अब इन सिविल कोड के, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आपने उसमें पढ़ा है उसने क्या क्या किया, वेटिंग सिस्टम चेंज किया, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव किया, करंसी जो है उसको इंप्रूव किया। क्लियर बच्चे? नाउ टाइम इज ओवर, रेस्ट आई विल डिस्कस टुमॉरो। ठीक है।